सो वेलकम फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट म्यूज़िक ट्यूटोरियल वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे मिक्स और मास्टर कर सकते हैं बिल्कुल स्टूडियो की तरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और यार, इसके लिए आपको सिर्फ एक बटन ही तो क्लिक करना है, एक बटन ही तो दबाना है। सो प्लीज़ इस बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे होगा है कि मैं जब भी अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले इसकी खबर आपको आएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होगा और एक माइक्रोफोन चाहिए होगा जिससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, जो है मिक्सक्राफ्ट। ये अराउंड 150 MB का है और इसकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। सो फ्रेंड्स, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद इस सॉफ्टवेयर यानी मिक्सक्राफ्ट को ओपन करें। सो मैं भी इसे ओपन कर लेता हूँ। और फर्स्ट टाइम ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, और जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ओपन होगा, मतलब एक पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ सॉन्ग आपको दिखेगा। तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रखा है। और आप चाहें तो उसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इसको। तो आप इसको यहाँ से कैंसिल करके आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो इसको कैंसिल करने के बाद ऊपर यहाँ फाइल मेनू में जाएं और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड योरसेल्फ और योर बैंड। यहाँ अपना आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जिसमें नॉर्मली दे रहा हूँ रिकॉर्ड वन, तो उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हमको एक कैराओके ट्रैक ऐड करना है, तो इसके लिए हम जहाँ कैराओके ट्रैक है अपना वहाँ जाते हैं, वहाँ से इसको किसी एक ट्रैक पर ड्रैग करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और इस तरह आप ये कैराओके ट्रैक को यहाँ ड्रैग कर लीजिए। और इसको आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी मेरे माइक्रोफोन में आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, पर आप इसको ऐसा ही रहने दें। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रैक पर हमने कैराओके ट्रैक चला रखा है, और अब हम सेकेंड ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे। हम कोई भी ट्रैक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रैक ले सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हम आर्म पर क्लिक करेंगे, ARM जो लिखा है। और यहाँ से हम अपने माइक्रोफोन गेन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये सब सेटिंग करने के बाद हम आते हैं यहाँ इस रिकॉर्ड बटन पर, और इसको क्लिक करके हम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। तो सडनली अगर आप कुछ गा नहीं पाए और मिस हो गया तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाइए और डिलीट हो जाएगा, और आप इसको फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने अपना सॉन्ग यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया है दोस्तों। और इस वीडियो में ट्रैक की वॉइस इसलिए नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि मैंने कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से इसे म्यूट कर दिया है। सो सॉरी फॉर दैट, बट आप टेंशन ना ले, आपको आवाज़ आएगी, बिल्कुल आएगी। और अगर आप मेरे इस गाए हुए गाने को सुनना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और स्क्रीन पर भी दे दी है। तो ये गाना है बोलना माही बोलना कवर बाय रॉकिंग आदि, दैट्स मी।
सो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस करते हैं। अगर किसी लाइन में, किसी अंतरे में अगर आपको गाने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप सिर्फ उस लाइन और उस अंतरे को डिलीट करके उसे फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से। और रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हो। और अब हम इसे सुन के देखते हैं, तो आवाज़ बहुत कम आ रही है। इसके लिए हम यहाँ एक ऑप्शन है FX, ये FX ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इस इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे अकास्टिका कंप्रेसर। ये इफेक्ट काम करता है आवाज़ को बढ़ाने का। और इसके बाद हम एक कॉस्टिका EQ सिलेक्ट करेंगे, इक्वलाइज़र, जो अपनी आवाज़ के हिसाब से हम इसका इक्वलाइज़र सेट करेंगे। और लगभग हर आवाज़ में ये दो जो लास्ट के होते हैं, फर्स्ट के, इनको बिल्कुल डाउन कर दीजिए, क्योंकि वोकल में इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी जैसा मैंने किया उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करें, सेट करें। और देन दिनेश में अपने को एक और इफेक्ट, ये एक और इक्वलाइजर सेट करना है, पुल्ट्रॉनिक ट्यूब EQ। तो अपनी आवाज के हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। तो मेरी आवाज के हिसाब से HF वेटलाइजर सही रहेगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे एकॉस्टिका रिवर्ब, जो रिवर्ब का काम करता है, रिवर्ब इको। ओ, ये रिवर्ब बहुत ज्यादा है, तो इसको अपन कम करेंगे अभी। तो यहां से हम वेट मिक्स थोड़ा कम करेंगे और रिवर्बरेशन को भी थोड़ा कम करेंगे। ये आप अपनी वॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कैसा रखना है। और हर गाने की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कि रिवर्ब ज़्यादा रखना है या कम रखना है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। और बैकग्राउंड रिवर्ब यानी कि इको के लिए हम यहाँ से एक ट्रैक ऐड करेंगे, सेंड ट्रैक, ऐड सेंड ट्रैक, इसको ड्रैग करेंगे ऊपर, ये बस अपनी आसानी के लिए। यहाँ फिर हम क्लिक करेंगे FX पर और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे अकोस्टिका EQ, उसको यहाँ से वैसे ही एडिट करेंगे। और बैकग्राउंड रिवर्ब में वोकल का बेस थोड़ा कम होना चाहिए, इसलिए हम इनको थोड़ा सा और डाउन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पुल्ट्रॉनिक ट्यूब EQ सिलेक्ट करेंगे। एंड देन द नेक्स्ट कॉस्टिका डिले सेंड करेंगे, जो रिवर्ब में डिले के लिए। वो यहाँ ये 207 रखना है हमें और इसको 4250 रखना है। देन वेट मिक्स को 6270 एंड देन ड्राई मिक्स को हम रखेंगे 40-50। एंड देन द लास्ट वन अकोस्टिका रिवर्ब, इसमें भी हम वेट मिक्स को रखेंगे 60-70 और ड्राई मिक्स को 30-40। हम यहाँ रिवर्बरेशन को यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। देन हमें यहाँ पे ऐड करना है क्लासिक कोरस, यहाँ से जाके हमें ये ऑप्शन सेट करना है, मिक्स को थोड़ा सा अप लेना है। एंड इसकी रेंज थोड़ी सी कम करना है। देन इस ट्रैक पर हमें सेंड करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेंड वन,
एंड देन यहाँ से सेंड वन की वॉल्यूम हम इंक्रीज करेंगे, तो इसको हम उतना सेट करेंगे जितना हमको रिवर्ब चाहिए। तो अभी 10 पर सेट करके देखते हैं इसको। इट साउंड इन गुड। रिवर्ब में थोड़ा सा ट्रेबल ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसे यहाँ से रिवर्ब इफेक्ट में जाके इसको कम कर देंगे। सो नॉट इट्स परफेक्ट, एंड सेंड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये सारे इफ़ेक्ट्स मैं अपने हिसाब से और गाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। और आप अगर कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड करते हो और उसमें आपको रिवर्ब ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इसमें जहाँ जहाँ नॉइज़ आ रहा है, यानी कि शोर आ रहा है अगर थोड़ा बहुत भी, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उस ट्रैक को डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से साउंड टैब को ओपन करेंगे। या नीचे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है नॉइस रिडक्शन, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं 80% रखूँगा। और इसको आप उस जगह ड्रैग कर दे जहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है, या जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे नॉइज़ है। ये एक नॉइज़ का एक सैम्पल हो जाएगा और पूरे ट्रैक में से वो सारा नॉइज़ हटा देगा। और स्टार्टिंग में नॉइस ना है, इसके लिए आप यहाँ पे इस ट्रैक को फेड इन कर सकते हैं, इस लाइन को यहाँ पे डाउन करके। और इस तरह जो भी ट्रैक्स हैं जिनमें नॉइज़ है, उन सबका नॉइज़ रिमूव करने के लिए ऐसा ही करें। और अब हमें पर्टिकुलर किसी एक ही ट्रैक को सुनना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सोलो, सो इस पर क्लिक करें। तो इसको क्लिक करने से सिर्फ वही ट्रैक सुनाई देगा और बाकी सारे ट्रैक म्यूट हो जाएंगे। और इतना सब करने के बाद अगर आपको कुछ और अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और सेटिंग्स कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद सब कुछ होने के बाद आप अपने इस ट्रैक को MP3 फाइल में सेव कर सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए सबसे पहले स्टॉप करें, तो इसके लिए फाइल मेनू में जाके पहले प्रोजेक्ट को सेव करें, एंड देन अगेन फाइल मेनू में जाके यहाँ पे देखते हैं आपकी मिक्स डाउन ऑप्शन। इसमें आपको जो फाइल सेव करनी है, जैसे कि मुझे MP3 सेव करना है, तो एंड देन यहाँ एडिट डिटेल्स ऑप्शन को क्लिक करके हम MP3 सॉन्ग की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। देन यहाँ सॉन्ग का टाइटल लिख के उसे सेव कर सकते हैं। एंड सेव पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाती है और अपना सॉन्ग सेव होने लगता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो फ्रेंड्स, सेव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा और आप इसको सुन सकते हो। और जहां आपने इसको सेव किया है वहां जाके आप इसको सर्च कर सकते हो, देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, फेसबुक, यूट्यूब एंड अदर साइट जो भी उन पर अपलोड कर सकते हो। और मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है उस गाने को भी ज़रूर सुने और देखिए कि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। तो उसको सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और स्क्रीन पर आई आप इस लिंक पर भी क्लिक करके उस गाने तक जा सकते हैं। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात सुन लो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप और भी कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नीचे। एंड प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी को पता ना हो इसके बारे में तो वो भी सीख पाएँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और मुझे पता है कि आप ये सारे वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। So thank you for watching the video and keep watching, keep rocking.